ब्रेक फेल हो गए, ब्रेक इतिहास में देखिए पहली बार टैंक और बुलेट की दौड़, देखिए कौन जीतता है गाइस। I can't bear. Tears are falling from the sky, but I'm not worried. I know I will end up dry. Help me, how about you? Let's just wait and enjoy the view. अभी टाइम हुआ है 2:30 और हम राइड स्टार्ट कर चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जय यादव ब्लॉग्स में। दोस्तों आज हम राइड कर रहे हैं नीमराना से ऋषिकेश और बहुत खूबसूरत राइड होने वाली है। बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे, बहुत अच्छी अच्छी जगह हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बने, और घंटे का बटन ज़रूर दबा देना ताकि आप लोगों को सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। दोस्तों राइड में पिछले बहुत समय से कर रहा हूँ और अभी मैंने इस राइड को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है ताकि मैं आप लोगों से जुड़ पाऊँ। मैं जिस जिस जगह पर जहाँ भी मैं घूमने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को वहाँ पर घुमा सकूँ, वो जगह आप लोगों को दिखा सकूँ काफ़ी अच्छे तरीके। हम लोगों ने अप्रॉक्स 80 किलोमीटर कवर कर लिया है और अभी हम लोग हैं गुड़गांव के आसपास और राइड इज़ गोइंग वेरी ब्यूटीफुल। हम लोग ऑलमोस्ट दिल्ली में एंटर करने ही वाले हैं और मेरे लेफ्ट में ये देखिए खूबसूरत सा टैंक। और ये टैंक भज के सब्सक्राइब कर लियो जय यादव ब्लॉग्स को। दोस्तों हम लोग दिल्ली में एंटर कर चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत सड़कें बनी हुई हैं, ग्रीनरी बहुत अच्छी है। और ये जो आगे जो मेरे फेलो राइडर्स आ रहे हैं ये हैं सुदर्शन और हरीश। हम लोग दो बाइक्स पे 3 लोग राइड कर रहे हैं और एक गाड़ी है हमारे जिसमें 5 लोग हैं, तो टोटल हम 8 लोग इस ट्रिप पे आए हैं और आई होप ये बहुत शानदार ट्रिप हो। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं इंडिया गेट और यहाँ हम इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोज़ देंगे। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वेलकम बैक टू चैनल गाइज। और फाइनली हम लोग रुड़की पहुंच चुके हैं और दिल्ली के बाद में मेरे कैमरे की बैटरी लो हो गई थी तो कैमरा बंद हो गया था और थोड़ा बहुत शूट हमने फोन से किया था। और अभी उसके बाद रात हो गई थी और अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 10:30, तो हमने यहाँ पे होटल ले लिया है और अभी हम लोग करने वाले हैं आराम, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है अभी आराम की। बिकॉज भी हम लोग 2 बजे चल रहे थे दिन में, ऑलमोस्ट 8 घंटे सफर शुरू कर चुके हम लोग। और दोस्तों इस निमराना टू ऋषिकेश राइड की सबसे रोचक जो बात है वो आप इस वीडियो में देखेंगे। ब्रेक फेलियर जो एक राइडर की लाइफ में सबसे ज्यादा खतरनाक होता है वो हमने आज फेस किया और उसके बाद कैसे कैसे हमने परेशानियां उठाते हुए वो सब सही करवाया और उसके बाद में हम आप रुड़की पहुंचे हैं वो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो गाइस आगे का व्लॉग कल कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।
तो गाइस अभी हम लोग उठ चुके हैं और पूरे गियर्ड अप है, सामान पैक हो चुका है और अभी हम लोग निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए जो कि यहाँ से अप्रोक्स 30 किलोमीटर है। और वहां पे गंगा स्नान करने के बाद में हम लोग जाएंगे सीधा ऋषिकेश और वहां पे करेंगे एक्सप्लोर। दोस्तों इस राइड पे मैं आप लोगों को दिल्ली टू दिल्ली सभी खर्चे और रास्ते और बाकी जितनी भी समस्याएं या रूट सारी जानकारी देने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा। चलो गाइज मिलते हैं राइड पे। गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज डे टू फ्रॉम रुड़की। और गाइज कल शाम को लगभग 7 बजे के आसपास हम लोग जो मोदी नगर पहुँचे तो मेरे ब्रेक अचानक से फेल हो गए और बाइक चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे करके हम लोग सर्विस सेंटर ले गए, ब्रेक सही करवाए और फिर आगे की राइड कंटिन्यू करी। तो गाइज अभी शुरू होती है इस राइड की सबसे खूबसूरत जगह। तो यहाँ से आगे हम लोग जाएंगे हरिद्वार और उसके बाद हम लोग जाएंगे ऋषिकेश, शिवपुरी। तो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं हरिद्वार और आज यहाँ पे कुछ फेस्टिवल है जिसकी वजह से हम लोग स्नान नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। और ये शिव जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है, बहुत खूबसूरत लग रही है। तो आगे कहीं रुकते हैं, इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं। और अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ डालता रहता हूँ मेरी राइड, और जहाँ भी मैं जाता हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस व्लॉग से पहले मिलती रहेगी। दोस्तों आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा क्राउडेड है जिसकी वजह से हम लोगों ने आज गंगा स्नान स्किप कर दिया, वापस आते टाइम पे देखेंगे। और देखिए पानी कितना साफ है, कितना खूबसूरत पानी है। और इस जगह को कहते हैं गढ़ गंगा, यहाँ पर एक बहुत पुराना मंदिर भी है और बहुत खूबसूरत जगह है ये, आइए कभी घूमिए। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं ऋषिकेश के लिए और अब हम जिस रास्ते से जाएंगे वो बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, बहुत मज़े आने वाले हैं दोस्तों। इस रास्ते पे आके वर्थ है, यहाँ आने का वर्थ है भाई है। वेलकम बैक टू चैनल गाइज। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लक्ष्मण झूला, लेट्स एंजॉय। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं शिवपुरी के लिए, वहां पर जाके हम लोग लेंगे टेंट और वो पैकेज में आएगा और राफ्टिंग भी उसी में होगी। 16 किलोमीटर की राफ्टिंग होगी और आगे जहाँ भी हमें अच्छी डील मिलेगी हम लोग वहाँ से पैकेज ले लेंगे। उस पैकेज में 3 मील्स होंगे, टेंट होगा और ड्राफ्टिंग होगी जो कि हम करने वाले हैं इवनिंग में। स्टे ट्यून गाइस। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं शिवपुरी और
बहुत खूबसूरत ऑफ रोडिंग है दोस्तों, यहाँ आने का वर्थ है। लाइफ में एक बार ज़रूर यहाँ पे आके देखिएगा, यहाँ पे आइए, वादियों के बीच में टेंट लगे हुए हैं, वहाँ पे रुकिए, रिवर राफ्टिंग कीजिए, द होली गंगा, बहुत खूबसूरत फ्रेश वाइब। तो अभी आगे है एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग, ये मोस्टली ग्लेशियर का पानी आता है और अभी हम क्रॉस करने वाले हैं इस वाटर क्रॉसिंग को। डुक 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 डुक, ओह बहुत ठंडा पानी है गाइस, बहुत ठंडा पानी है। और अभी हम लोग आगे जाके टेंट लेंगे और वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करवाता हूँ। वीकेंड होने की वजह से काफ़ी क्राउडेड है, बहुत सारे व्हीकल्स आए हुए हैं। दिल्ली एनसीआर के मोस्टली लोग वीकेंड पे यहीं आते हैं घूमने। वेलकम बैक टू चैनल गाइस। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं शिवपुरी और हमने टेंट ले लिया है और बाकी दिखाते हैं, अभी अंदर जाते हैं, चेक इन करते हैं, तब तक ये नज़ारा एंजॉय कीजिए। बहुत खूबसूरत जगह है, चारों साइड से पहाड़ों से घिरी हुई है जगह और ये पीछे एक छोटी रिवर बह रही है। ये एक छोटी रिवर है जो आगे से बहती हुई आती है, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत। ये सामने फ्लाईओवर, बहुत प्यारी जगह। हमारे टेंट दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में जो होगा रिवर राफ्टिंग का, जो बहुत शानदार वीडियो होने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा गाइज।